ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक अच्छा सवाल है, उसको कैसे देखते हैं व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू। सॉल्व करने का तो कह रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बेटा इसकी रिक्वायरमेंट ये देखें, फिर बी फिर सी इंशाल्लाह। ए में देखिए क्या कह रहा है बेटा, इस पे ध्यान दें, बात नहीं करनी, इस पे ध्यान देना, क्योंकि इस तरह का सवाल इफ इट कम्स इन एग्जाम तो मेजोरिटी जो है ना क्लीन बोल्ड हो, तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या मेरे साथ, बॉल आई कहां से, क्यों मैं तो बॉलर को देख रहा था, पता ही नहीं चला ये विकेट कीपर की तरफ से बॉल आ गई, तो स्टम्प आउट हो गया, पता ही नहीं चला उसको। कैलकुलेट द नेट बेनिफिट या फिर क्या कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट एंड कॉमेंट ऑन योर एक्सेप्टेबिलिटी। भाई नेट बेनिफिट आया तो सब एक्सेप्टेबल है, नेट कॉस्ट तो कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा लिखा हुआ क्या है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्काउंट, व्हेन इट द क्वेश्चन सेज कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्काउंट इट मींस दे आर ऑलरेडी गिविंग द डिस्काउंट, क्योंकि हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। अगर हम डिस्काउंट इंक्रीज करते हैं, नंबर वन जो लोग पहले से डिस्काउंट ले रहे थे उनको एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डिस्काउंट की परसेंटेज बढ़ा दें, कुछ लोग जो पहले डिस्काउंट नहीं लेते थे आप वो डिस्काउंट देख रहे हैं ज्यादा है, तो बोले चलो यार हम भी डिस्काउंट ले लेते हैं, ये भी एक पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। और एक चीज हमें पता होना चाहिए, कैश डिस्काउंट देना कंपनी के लिए कॉस्ट है, कैश डिस्काउंट देना कंपनी के लिए कॉस्ट है, ठीक है जी। आप पहले ए के लिए पढ़ते हैं फिर बी और सी पे आते हैं इंशाल्लाह। द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पीएनपी अ यूके बेस्ड फर्म फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए इस तरह के सवाल में जहां कोई भी चीज कैलकुलेट हो सके इक्का दुक्का, उसको कैलकुलेट करना ही बेनिफिशियल है। वी हैव रेवेन्यू, वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल जिसके बारे में लिखा है, सब वेरिएबल है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर हमारे पास सेल्स भी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो यहाँ पे हम सी एस रेशियो निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। सवाल ही पैदा होता है सी एस रेशियो को हमने चार डालना है, और चार तो हमने वैसे भी नहीं डालना, अल्लाह माफ करे, क्या करेंगे उसका। सवाल ये पैदा होता है कि मेरे भाई सी एस रेशियो कहीं ना कहीं शायद आपको काम आ जाए, कैसे काम आएगा हम देख लेंगे, बट एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट सी एस रेशियो। ये बात समझ में आ रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स। अब अमाउंट आपने बताने, पार्ट ए के लिए हम इस पर बात कर रहे हैं, लॉजिकली तो एक्सेल पे करना चाहिए लेकिन वो फिर उसमें थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है, तो हम इसको स्क्रीन पे कर लेते हैं। सी एस रेशो, मुझे सेल्स अमाउंट बताएंगे कितना था, 5-2, और सी ओ जी एस जो कि सारा वेरिएबल है उसकी कॉस्ट कितनी है और अमाउंट कितना, 3-1, ठीक है बेटा। इंटू 100 करेंगे तो 40% आ रहे, चेक करें ये सर, सी एस रेशो आ गया 40%, डन है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, क्या किया, सी एस रेशो निकालो और क्या किया। वी हैव इन्वेंटरी रिसीवेबल एंड पेबल्स, सेगमेंटल एनालिसिस ऑफ द रिसीवेबल। बेटा हमारे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के रिसीवेबल्स हैं, ओवरसीज रिसीवेबल्स हैं, ये टोटल है 7,44,500 आपके टोटल रिसीवेबल्स हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड है, जो लोग 30 डेज में पे करते हैं दे आर गेटिंग 1% डिस्काउंट, यहाँ कोई बैड डेट नहीं होता, लॉजिकल बात है, जब कोई डिस्काउंट लेगा तो बैड डेट तो नहीं होगा। बाकी 60, 75, 90 इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, और यहाँ बैड डेट भी मौजूद है। नॉर्मली टाइम पीरियड जितना ज्यादा होता है कलेक्शन का, ऑटोमेटिकली बैड डेट के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा अब ध्यान से पढ़िएगा लिखा हुआ क्या है, द रिसीवेबल बैलेंसेस गिवन आर बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ इयर रिकवरेबल डेट्स, पहला पॉइंट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं एसओएफपी की बात करूं, जो आपकी बैलेंस शीट होती है एसओएफपी होती है, उसमें जब हम डेटर्स का बैलेंस लिखते हैं तो हम उस बैलेंस में से बैड डेट का जो भी अलाउंस होता है वो माइनस करके लिखते हैं। इस सवाल में एग्जामिनर ने हर क्लास के डेटर्स का अमाउंट दिया है, और कैटेगोरिकली इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि इन बैलेंसेस में से बैड डेट अभी माइनस नहीं हुआ। यदि क्लास 2 के जो कस्टमर है 2,52,000, इससे रिलेटेड जो बैड डेट है 12,600, वो इसमें से माइनस नहीं हुआ, सही।
यानी ये ग्रॉस रिसीवेबल्स गिवन है, ग्रॉस जी, ग्रॉस रिसीवेबल्स गिवन है। अब प्लीज ध्यान से बातें समझनी है। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, प्रोडक्शन एंड सेल्स टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर महीने एक जैसी सेल होती है। करंट सेल्स फॉर ईच क्लास, ये सबसे काम का पॉइंट है सर। करंट सेल्स फॉर ईच क्लास ऑफ रिसीवेबल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव ईयर एंड बैलेंसेस बिफोर ए रिकवरेबल डेट्स। बेसिकली जो करंट सेल है ना, जो रिसीवेबल्स गिवन है उन्हीं के प्रोपोर्शन में है। क्या मतलब, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, प्लीज ठीक है, जहन पे जोर नहीं डालना, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल रिलैक्स है। अब बताए नाजुक बच्चे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अल्लाह माफ करे, तो इसलिए हम चाहते हैं बच्चा जहन पे जरा भी जोर नहीं डाले, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहा होता है तो चाय वाय पिए, कॉफी पिए, आराम से देखे, उसकी तो मैं ज्यादा टेंशन होती है, तो कहीं से कूद ना जाए, अल्लाह माफ करे, यार मैं चेयर से कूद रहा हूँ। पहले मैं इस पे सवाल पे आने से पहले एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखिए हम डेटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक मुश्किल सवाल है, मुश्किल पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो हक है ना हमारा पूछना यार। आप लेते हो बेटा क्रेडिट सेल्स, सीपी, सीपी क्या है, कलेक्शन पीरियड, चले डेज की बात करते हो तो 365, मंथ्स होते तो 12 और वीक्स होते तो, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन पीरियड, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है, अगर कलेक्शन पीरियड डेज में तो डेज से डिवाइड करें, मंथ से तो मंथ, वीक से तो वीक। अब सुनिएगा, इसी फॉर्मूले को आप अच्छे से देखें, क्या यू लिखा जा सकता है, डेटर्स इसको मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूं और कलेक्शन पीरियड से डिवाइड कर दूं, सेल्स आ जाएगी ना, यस सर। फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूं तो डेटर्स की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो हर क्लास ऑफ कस्टमर्स के बैलेंस को लेके उनसे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं। सवाल भाई क्यों निकाल लें, सेल्स निकाल सकते हैं, अलग बात है, वाई, जवाब सुन लें बेटा, जो डिस्काउंट की परसेंटेज हम अप्लाई करते हैं, चेक कर लें, इससे पहले भी हमने बहुत से सवाल किए, सेल्स के ऊपर करते हैं, डेटर्स की वैल्यू पे हम परसेंटेज अप्लाई नहीं करते। बातें समझनी है, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट सेल का अमाउंट निकाल सकते हैं। ये कब काम आएगा, कैसे देखते हैं। इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1% से कहां जा रहा है, डिस्काउंट 30 डेज में लोग पे करें, हम डिस्काउंट 1% नहीं देंगे, 1.5 देंगे, आगे तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले एक चीज समझिएगा, जो लोग ऑलरेडी 1% डिस्काउंट ले रहे हैं आपको उन्हें एडिशनल 0.5% का डिस्काउंट देना होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 30 दिन में पे कर रहे हैं। और आप क्या कह रहे हो, Whoever is going to pay us within 30 days, we will give discount 1.5% instead of 1, which means that those customers they are already getting 1% discount, we will give them additional 0.5% discount, and cash discount is cost for the company. तो एक तो जो existing class 1 वाले customers हैं उन्हें हमें एडिशनल 0.5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, सिर्फ इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब इसे देखें, हमने एक तो बेटा सीएस रेशियो निकाल लिया था, करना क्या है फिलहाल पता नहीं है, लेकिन यहां देखें एडिशनल डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग क्लास वन कस्टमर्स, डेटर्स का जो अमाउंट है दैट इज 200,000। बेटा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 365 से, डिवाइड करूं 30 से, क्लास वन से रिलेटेड सेल्स का अमाउंट आ जाएगा इनटू 0.5%। तो बेटा अपने लैब कैलकुलेटर यूज करें और बताएं कि क्या आंसर मिला। सो मुझे मिल रहा है 12,167, 12,160, और इसको मैं आउटफ्लो के तौर पे शो करूंगा।
क्योंकि कैश डिस्काउंट अगर कोई लेता है तो उसके लिए इनकम, कोई कैश डिस्काउंट देगा तो उसके लिए कॉस्ट। फॉर्मूला बेटा चेंज कर दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जी, सेल्स कैलकुलेट, ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब तक हमने दो वैल्यूज निकाली है, मतलब वैल्यूज का, एक तो सी एस रेशियो निकाल लिया है जो फिलहाल पता नहीं आओ वी आर गोइंग टू यूज इट। सेकंड हमने एडिशनल डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग क्लास वन कस्टमर्स कैलकुलेट कर लिया, विच इज 12,167। अब देखते हैं मजीद। It is expected that this will lead to 50% of existing class 2 receivable becoming class 1 receivable. बस आगे बाद में पढ़ेंगे। वो कह रहा है existing 50% class 2 वाला उठ के class 1 में आ जाएगा। अब ध्यान से बात सुनिएगा, existing class 2 वाला उठ के अगर class 1 में आएगा 50%, दो इवेंट्स होंगे। नंबर वन, यहां देखें, एग्जिस्टिंग क्लास टू से रिलेटेड आपको 12,600 का बैड डेट नजर आ रहा है, 50% बैड डेट सेव हो जाएगा, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग क्लास टू के 50% कस्टमर उठ के क्लास वन में आ जाएंगे तो सर उनसे रिलेटेड जो बैड डेट है 50% सेव होना चाहिए। क्यों सर? दोस कस्टमर दे आर गिविंग यू विद इन द डिस्काउंट पीरियड एंड देर अवेलिंग द डिस्काउंट, उनसे रिलेटेड बैड डेट तो नहीं हो सकता। एक तो क्या होगा, we are going to save 50% of the bad debt relating to existing class 2 customers. Second, वो जो 50% customer class 2 से उठ के class 1 में आएगा, बेटा उन्हें ना मुझे discount देना पड़ेगा 1.5%, क्योंकि पहले तो उनको discount ही नहीं मिल रहा था, they were not availing the discount. अब वो discount के चक्कर भी तो class 2 से उठ के किसमें आ रहे हैं, class 1 में, तो उनको 1. सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लास टू की फिलहाल बात हो रही है, प्लीज चेक कर, क्लास टू वाला उठ के जब क्लास वन में आएगा तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लास टू की बात हो रही है, प्लीज अब देखिएगा, डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग क्लास टू कस्टमर्स, क्लास टू कस्टमर्स में डेटर्स का अमाउंट कितना पहले ये बताएं, 2,52,000। प्लीज देखिएगा कंप्लीट जज्बात में आए बगैर, इसको आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। सब लोग नहीं उठ के आ रहे क्लास वन में, कितने लोग आ रहे हैं, तो डिस्काउंट भी 50% को ही मिलेगा इनटू 1.5%, तो 2,52,000 को 365 से मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किया, फिर उसका हाफ से मेरे पास आ रहा है 11,497.5, उसको मैं 98 लिख रहा हूं, 11,498 आउटफ्लो इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि कैश डिस्काउंट देना कंपनी के लिए कॉस्ट। तो डिस्काउंट फॉर क्लास टू कस्टमर आ रहा है 11,498। जी बेटा, यहां तक की बात आई स्ट्रॉन्गली बिलीव के समझ में आनी चाहिए। देखिए इस तरह के सवाल में ना, जब एक बच्चा सारी चीजें एक साथ सोचता है, फिर वो सोचता ही है, कुछ कर नहीं पाता, तो उसका दिमाग बोल देता है भाई अपने बस से बाहर है। लेकिन जो बच्चा ना इस तरह के सवाल को ब्रेक करके सॉल्व करता है, कि भाई थोड़ा सा पढ़ा, जो सॉल्व हो रहा है वो कर लिया, सब वो कर जाता है सॉल्व। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक बहुत खतरनाक जैम है, अब आप एंड तक देखोगे किसी तरह से रोड को, तो बस आपकी मोटिवेशन जीरो। उसका तरीका क्या होता है, बिल्कुल करीब देखें, मतलब 5-6 मीटर तक, यार यहाँ तक गाड़ी पहुंचा दूं, यहाँ तक पहुंचा दूं, यहाँ तक पहुंचा दूं, तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाओगे मंजिल तक। लेकिन द मोमेंट यू लुक एट दी एंड, वो बोले यार फिर कहानी खराब। तो वाली बात है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चीज सॉल्व हो रही है वो कर लो। अच्छा, एक अच्छा इवेंट क्या होगा, जब क्लास टू का 50% कस्टमर उठ के क्लास वन में आएगा तो 50% बैड डेट सेव होंगे।
तो सेविंग इन बैड डेट्स जो कि इनफ्लो होगा, एक्सेल में इसी तरह से करेंगे जैसे से यहां करने टाइप करेंगे डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग लास्ट टू कस्टमर्स, मतलब एक्सेल में कर ले, मुझे तो कोई मसला नहीं। सेविंग, अच्छा बेटा देख ले, सेविंग इन बैड डेट्स, existing saving in bad debts relating to existing class 2 customers 12,600 का bad debt है इसका 50%, कुछ आउटफ्लोस एक आध इनफ्लो निकाल लिया हमने, ओके सेविंग इज इनफ्लो यस। अच्छा आप देखिए प्लीज, एज वेल एज अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस वर्थ 500,000 इन रेवेन्यू, रुक जाए, इस पॉलिसी से एक और फायदा होने वाला है, एडिशनल बिजनेस आएगा 5,00,000, सेल्स बढ़ेगी 5,00,000 से। बेटा अगर सेल 5,00,000 से बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, और सीएस रेशियो 40% निकाला था हमने, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, तो बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली जहां जो चीज मिल रही है कैलकुलेट करें, बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि जहां बच्चे ने पूरा सवाल एक साथ सोचा बच्चा अजीब सा हो जाएगा, फिर वो टकरी मारेगा, मेरी अटेम्प्ट में आना था, अबे तो किसी की अटेम्प्ट में तो आएगा, बोले लेकिन मेरी अटेम्प्ट में क्यों आया, अबे तूने अटेम्प्ट नहीं देनी थी क्या, बोले देनी तो थी लेकिन व्हाई इन माय अटेम्प्ट, भाई तेरे साथ ही होना था मतलब, हाँ ये बात भी, इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों निकाला है बेटा, आपको तो मैंने कितने मशवरे दिए, कॉफी वॉफी सुबह पी गया है, एक तो हमने आपको घर से बुलाया माजरत उसके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, भले यहाँ तक की बात के लिए सेल बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इससे ज्यादा जहन पे जोर नहीं डालना, सेल्स बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, अब आगे बढ़े, आप लोग जो एक साथ सोचते हैं ना आपसे मसले होते, आगे देखें बेटा आपके सवालों के जवाब आगे आ रहे हैं, देखिएगा बेटा, द न्यू बिजनेस वुड बी डिवाइडेड equally between class 1 and 2 receiver, आप सुन लें, जो नया बिजनेस है उसमें से 50% class 1 में आएगा, 50% class, जब class 1 में 50% आएगा तो उनको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, आप देखिए डिस्काउंट कॉस्ट फॉर class 1 न्यू कस्टमर, बेटा इनसे रिलेटेड सेल 2,50,000 है, 50% है ना, इनटू 1.5%, तो बेटा 2,50,000 का 1.5% 3,750, गुड हो गया, नया बिजनेस 5,00,000 है ना, उसमें से 50% क्लास 1 में आएगा और 50% क्लास 2 में जाएगा, तो जो 50% क्लास 1 में आएगा 5,00,000 का 50% 2,50,000 है, उनको मुझे 1.5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ओके अभी बातें समझनी है ध्यान से, व्हाट इज दैट, अब सबसे काम का पॉइंट आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्लास 2 के अंदर ना नया कस्टमर आ रहा है, जागते रहिएगा सुनना, अब इसमें ना कुछ अजम्पशंस भी है सवाल में, पहले यहां देखें, क्लास 2 में आपको 12,600 का बैड डेट नजर आ रहा है, बैलेंस कितना है, अगर मैं 12,600 को
252 से 252 से डिवाइड करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट 5%। चेक करें इसको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब सवाल में ना एक एक समझे रेशो नजर आ रहा है, एक परसेंटेज नजर आ रही है कि यार क्लास टू के अंदर ना डेटर्स का 5% बैड डेट होता है। इसका फायदा क्या होगा वो सुनिएगा। जब क्लास टू में कोई नया डेटर आएगा, जब क्लास टू में कोई नया डेटर आएगा तो उसका 5% बैड डेट होगा। रिपीट, हमारी अजम्पशन है कि सिंस जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है क्लास टू के डेटर्स को लेके, वो डेटर्स का 5% है, तो वी आर अज्यूमिंग कि ये 5% कंटिन्यू रहेगा। तो क्लास टू में जब नया डेटर आएगा उसका 5% क्या होगा? बैड डेट होगा। अब देखिए प्लीज, नहीं 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 प्लीज डोंट डू दिस, फिर जहन में दो डाल दिया ना, मना किया यार। रिलैक्स रहे, रिलैक्स, सुबह सुबह का टाइम है, जहन पे जोर मत डालें भाई, मतलब बच्चे हैं आप लोग यार, कोई मसला हो गया हमारे मत्थे लगोगे, खुद सोचें, बिल्कुल रिलैक्स रहें आप, टेंशन ना लें, प्लीज सुन लें बेटा। यहाँ देखें, मैंने कहा था 12,600 डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ डेटर्स, अमाउंट ऑफ डेटर्स। अब पहले यहां देखें, बैड डेट परसेंटेज इन क्लास टू कस्टमर्स जो परसेंटेज है वो 12,600 कितने परसेंट है? अब देखेगा क्लास टू न्यू कस्टमर्स, बेटा जो नया बिजनेस है ना, जो 5 लाख का रेवेन्यू आ रहा है उसमें से 2.5 लाख का रेवेन्यू क्लास टू से बिलोंग करता है। अब देखते रहेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 365 से डिवाइड करूंगा, तो क्लास टू के नए 2,50,000, 60 upon 365, तो ये बेटा नए आ रहे हैं आपके पास 41,000। क्लास टू में जो नया डेटर आ रहा है वो 41,096 आ रहा है। हाँ, बैड डेट्स ऑन क्लास टू न्यू कस्टमर्स, बैड डेट्स ड्यू टू 41,096 का 5%, ठीक हो गया। अगर आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स, तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। डेटर्स अगर बढ़ेंगे फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, डेटर्स कम होंगे तो फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी। अब ध्यान से सुनिए, पांच लाख का जो रेवेन्यू हो रहा है इस पॉलिसी वजह से, नया रेवेन्यू एडिशनल जो बिजनेस आ रहा है, उसमें से 50% सेल्स क्लास वन से बिलोंग करेगी और 50% क्लास टू से। इसका मतलब है कि 50% क्लास वन के अंदर आएगा कस्टमर और 50% क्लास टू में आएगा, जो पहले नहीं था। तो देखिएगा पहले व्हाट आई एम डूइंग, इंक्रीज इन डेटर्स बेटा 2,50,000 देखते रहे इंटू 30 प्लस 2,50,000 और इनको डिवाइड कर देंगे 360
तो बेसिकली आपका जो रिसीवेबल है वो 61,644 से बढ़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, आपका जो रिसीवेबल है, क्योंकि पहले तो ये वाले रिसीवेबल थे ही नहीं ना सिस्टम में, तो रिसीवेबल बढ़ेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। इंक्रीज इन क्वेश्चन में देखिए फाइनेंस कॉस्ट की परसेंटेज गिवन होगी 8%। लिमिट है इसका 8%, 49। डेटर्स बढ़ेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, इंक्रीज ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ना इसमें और भी बहुत सी अजम्पशंस ली जा सकती है, लेकिन कुछ और अजम्पशन ना आए, सवाल को सिंपल रखें। वरना एक ध्यान में ये बात आती है, अगर एग्जिस्टिंग क्लास टू के लोग उठ के जब क्लास वन में आए थे तो कुछ डेटर्स क्या हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए। डोंट डू दैट, उन लोगों ने अभी एक्चुअली आपको पे नहीं किया। ये तो हम एक उस पर काम कर रहे हैं कि क्लास टू में से 50% उठ के क्लास वन में आएंगे और हमें उनको क्या देना पड़ेगा, 1.5% एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट भी दे दिया और चेक कर लिएगा 50% सेविंग भी ले ली। फिलहाल वो जो अमाउंट है ना, अमाउंट मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका एक डेटर का अमाउंट है 500, सही। किसी ने आपको 500 ना, 500 का अमाउंट, किसी ने आपको 500 का अमाउंट 10 दिन के बाद देना था, अब वो 2 दिन के बाद देगा। लेकिन फिलहाल आपकी बुक्स में वो अमाउंट आ कितना रहा है, 500 ही आ रहा है। ये बात समझ में। इस वजह से क्लास टू से उठ के जो लोग क्लास वन में आ रहे हैं, मैंने उनमें क्या नहीं कर रहा, कोई सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट नहीं निकाल रहा, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल थिंकिंग, यार वो जो 500 का अमाउंट है जो 10 दिन के बाद मिलना था 2 दिन में मिलेगा, लेकिन फिलहाल वो अमाउंट 500 ही है। बैड डेट तो सेव हो गया ना, उसकी तो टेंशन, बैड डेट तो, ये प्लीज सुन लें, ये गलत बात है। जब क्लास टू के अंदर नया कस्टमर आएगा तो हमने एक अजम्पशन लिया कि क्लास टू में पहले भी 5% का बैड डेट होता था, अब क्लास टू में अगर मजीद लोग आएंगे तो दोबारा क्या होगा, 5% का बैड डेट रहेगा। ये हमारी एक अजम्पशन। आप सुनिएगा, अब बेटा जितने भी इनफ्लोस हैं, जितने भी आउटफ्लोस हैं, उनको नेट ऑफ करें आप। अगर नेट बेनिफिट है तो पॉलिसी को लॉन्च करें, और नेट कॉस्ट है तो फिर हम पॉलिसी को लॉन्च नहीं करेंगे। अब आपने वैल्यूज बतानी है मुझे प्लीज। इनफ्लो ले लेते हैं, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 200,000। सेविंग इन बैड डेट 2 class 1 existing customers। कितना था अमाउंट देंगे, 12,167। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था, एग्जिस्टिंग क्लास टू कस्टमर्स का डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉस्ट फॉर एग्जिस्टिंग क्लास टू कस्टमर्स कितना आया था अमाउंट, 11,498। फिर क्या निकाला था हमने, 11,498 कितना था अमाउंट,
और इसके अलावा मैंडेट्स रिलेटिंग टू क्लास टू न्यू कस्टमर्स, कितना अमाउंट आया था? और इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, ये और आई बिलीव कुछ भी नहीं है। चेक करें नेट बेनिफिट कितने का, 17 18, चेक कर लें। एक स्टूडेंट ने बताया और उसने ये बोल दिया कि मेरे ख्याल में ऐसा, यस नो प्लीज चेंज कराना है तो बताएं, देख ले बेटा ऐसे यार, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी एक दफा हो चुका है, आप लोगों ने सबने बोला था मिलके यही है, बाद में पता चला वो नहीं था और जूम आउट कर देना बहुत हो गया, फुल जूम आउट, इनफ इज इनफ, आज सिर्फ जूम आउट नहीं होगा बल्कि अच्छा यार फुल जूम आउट कर। चेक करो नजर आ है, हाँ ये थोड़ा जूम इन करना चाहिए, अब देखें कुछ मुनासिब हुआ क्या। तो बेटा इसका पार्ट भी देख लेते हैं, उम्मीद है कि इस सवाल ने आपकी कुछ आंखें खोल दी होंगी, कि जाग जाओ इससे पहले कि एग्जाम आ जाए, बोलो जब तक तो सोने दो, ये हाल है बच्चों जब तक तो ज्यादा ही जूम आउट करते हो, ये कुछ ज्यादा ही जूम इन हो गया बेटा। इसको देख लें, कैलकुलेट करंट कैश ऑपरेटिंग साइकिल, स्टॉक डेज, रिसीवेबल डेज, लेस पेबल डेज, और रिवाइज कैश ऑपरेटिंग साइकिल कॉज बाय द डिस्काउंट ऑफ अर्ली पेमेंट। जैसे लॉजिकली डिस्काउंट ऑफ अर्ली पेमेंट की वजह से आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होना चाहिए लॉजिकली। खैर पहले एग्जिस्टिंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं, प्लीज यहां देखिएगा स्टॉक है, रिसीवेबल है, पेबल्स है, यस नो, सेल्स भी तो है, सीओजीएस भी, 603 को सीओजीएस से डिवाइड करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक डेज आ जाएंगे, रिसीवेबल को 5242 से डिवाइड करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे डेटर डेज आ जाएंगे, 574.5 को 3145 से डिवाइड करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे पेबल डेज आ जाएंगे। यस तो Let us first calculate existing cash operating cycle. Well, sir, मुझे तो साइकिल पसंद ही, अबे कैश ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं मेरे भाई, आपके बारे में पता है मैं, आप तो फिटनेस पे बहुत काम करते हो, 18 किलोमीटर भागते हो आप, मतलब माफ करे कई कई समय तो हमारा बच्चा घर से भाग जाता है फिटनेस के चक्कर में, घर वाले पकड़ा के लाते हैं, अब तो आ जाए। इन्वेंट्री डेज, स्टॉक डेज, कितना अमाउंट था बेटा बताएंगे जरा, 60 और सीओजीएस का अमाउंट बताओ, 3145 × 365 बताएं जी, इन्वेंटरी डेज बताएं, 70 कर लेना बेटा, इतनी एक्यूरेसी में फंस जाएंगे हम लोग, 69.9 मीन 70 डेज, रिसीवेबल डेज रिसीवेबल कितना है 744 और सेल्स कितनी है एग्जिस्टिंग 5242 × 365 बताएंगे, पेबल डेज 574
बताइए क्या आ रहा है। तो बड़े आराम से की मैंने कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाना चाहिए, जिसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं। सेवेंटी प्लस 52 माइनस 52 एग्जिस्टिंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल आ रहा है 55 डेज मिला। अब बेटा हमें रिवाइज कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। अगेन वी हैव टू मेक अजम्पशंस। बेटा हमारी अजम्पशन है कि स्टॉक डेज और पेबल डेज सेम है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। अज्यूमिंग इन्वेंटरी डेज स्टॉक डेज एंड पेबल डेज आर अनचेंज। यानी कि चेंज अगर आएगा तो रिसीवेबल डेज में आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ये समझने वाला पॉइंट आ रहा है कि सर ये समझने वाला पॉइंट तो पहले वाले पॉइंट क्या था भाई, तो वो थे ही समझने वाले ना, समझते नहीं हो यार, बोला हम भी समझे, अभी तो पेपर भी देना है ना। बेटा यहाँ देखे बस इतना बता दे, रिसीवेबल का बैलेंस 7,44,500 है, यस तो इस वक्त आपके एग्जिस्टिंग रिसीवेबल है 7,44,500, इंक्रीज इन रिसीवेबल निकाला था 61,644, तो रिसीवेबल चेंज हो रहे हैं भाई 7,44,500 प्लस 616,400 8,06,144, 3 जीरो इग्नोर करेंगे तो 806.144, क्योंकि आपके रिसीवेबल में इंक्रीज आ रहा है 61,644 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 जीरो इग्नोर करके आपकी जो एग्जिस्टिंग सेल है वो 5,242 है। जब हम डिस्काउंट वगैरह अनाउंस करेंगे 1.5% का, तो उसकी वजह से 500 से आपकी सेल बढ़ेगी इफ आई इग्नोर 3 जीरो, तो न्यू सेल हो जाएगी रिवाइज सेल 5,742। आपके रिसीवेबल चेंज होके हो जाएंगे 806.144 और सेल्स हो जाएगी 5,742। तो हम एक एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक एवरेज रिसीवेबल डेज की बात करें, 806.144 और ये कितना था 3,742 सेल्स 5,742, इट वाज 5,742 इनटू 365, बताएं 51 की इतना आ रही है। तो बेटा यहां देखिए रिवाइज कैश ऑपरेटिंग साइकिल, क्या सवाल में ऐसा कुछ लिखा है कि सप्लायर के साथ हमारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी नए बिजनेस की वजह से, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना। स्टॉक होल्डिंग डेज बढ़ेंगे कम होंगे ऐसा कुछ लिखा हुआ, इट मींस वो सब सेम चल रहा है ना। रिवाइज कैश ऑपरेटिंग साइकिल और अजम्पशन बेटा ऐसी लेते हैं जिसके बाद सवाल सॉल्व हो सके, ऐसी नहीं लेते खुद ही फंस जाए, अजम्पशन लेके ही फंस गए आप। मैंने एक बच्चा बोले कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ पेबल और स्टॉक के डेज चेंज हो रहे हैं, बोला फिर निकाल बेटा चेंज हो रहे हैं तो बता आप कितने, बोला सॉरी सेम है, तो पहले ही सेम ले लेते ना। स्टॉक डेज कितने थे बताएं 70, रिसीवेबल निकाल लिए 51, पेबल डेज कितने 60 बताएंगे आ रहा। अगर आप देखें तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल 1 डे से कम हो रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूसेस बाय 1 डे,
आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल वन डे से कम हो रहा, मतलब मार्जिनली कम हो रहा हूँ, बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, बट देयर इज स्टिल चेंज, मतलब कम तो हुआ ना, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होना एक अच्छी बात। So, कह रहे हैं identify, explain key elements of receivable management system suitable for PNP Limited, 7 marks. सर आपको कुछ भी नहीं पता ना, आपको एटलीस्ट रिसीवेबल मैनेजमेंट की पॉलिसीज ही पता, हाउ टू फॉर्मुलेट रिसीवेबल मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को उठा के लिख दें, यू विल गेट रियली गुड मार्क्स। लाइक अगर हमने किसी नए कस्टमर को गुड्स देनी है तो हम पहले क्रेडिट वर्थिनेस चेक करेंगे। क्रेडिट वर्थिनेस चेक करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर पहले से कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार क्या हम सिर्फ जो न्यू कस्टमर ने पास में जिन सप्लायर के साथ डील किया सिर्फ उन पे रिलाई करें कि उनसे हम जरा मालूमात ले लें, या बाज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग चेक करती है, क्योंकि याद रखिएगा हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है वो एक कंपनी है, वो कंपनी से क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगी आपको, यार उसकी क्रेडिट रेटिंग देख लें। फिर बाज लोग यकीन माने फिजिकली भी विजिट करते हैं, क्योंकि आजकल के एरा में मैंने पहले भी बात की डर भी लगता है, ऐसा ना हो इंटरनेट के ऊपर ही बहुत बेहतरीन कंपनी हो फिजिकली नजर ही ना आए और सामान लेके गुल हो जाए, बोला कहाँ चले गए, बोला गुल हो गए, बड़ी जल्दी गुल हो गए, तो सर फिजिकली भी विजिट कर लें। फिर पहले से ये डिसाइडेड होना चाहिए कस्टमर को कितने डेज का हमने क्रेडिट देना है और कब उनको ना रिमाइंडर भेजना शुरू करना है। सर कंपनीज भी भूल जाती है, पता भी होता है तो दे प्रिटेंड कि हम तो भूल गए, बोला जब आपने हमसे पैसे लेने थे तब तो नहीं भूले, बोला भूल तब भी गए थे सिर्फ आपको याद दिलाया था कि आप ना भूले, मतलब वी आर डूइंग द सेम थिंग। रिमाइंडर कब भेजने पहले से पता होना चाहिए। फिर बेटा पहले से ना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ये होना चाहिए कि लेट पेमेंट पे आपने पेनल्टी या इंटरेस्ट अल्लाह माफ करे लेना है या नहीं लेना, एडहॉक बेसिस पे नहीं हो सकता ना, पहले से डिसाइडेड हो। और इनके ना ओवरसीज कस्टमर्स भी हैं इस कंपनी के, तो सर ओवरसीज में तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्यों बेटा याद रखिएगा डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है ना पैसा लेना उतना मुश्किल हो जाता है, ओवरसीज में बिजनेस करना है ज्यादा बेहतर है, आप पैसे ही एडवांस में ले ले भाई, ओवरसीज को आप क्रेडिट पे बेच रहे हो अल्लाह रहम करे, तो वहां तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, और ज्यादा बेहतर है कि जो कंपनी हमसे क्रेडिट पे माल मांग रही है जो कि अब्रॉड में, ज्यादा बेहतर है कि हम बेसिकली उसके बैंक को एज अ गारंटर बीच में डालें और यहां से अपने बैंक को लेकर आए, ताकि हम सिक्योर चले ना, या तो पैसे एडवांस में ले लें या गारंटी में कोई एज अ गारंटर उसका बैंक सामने आ जाए, क्योंकि यार डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है आपको पता है पैसा कलेक्ट करना होता मुश्किल है। फिर आप कॉम्पिटिटर की प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा फिर ये भी याद रखिएगा ऐसे पैसा नहीं होता कि न्यू कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस चेक करनी है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनकी भी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करते रहते हैं, क्यों सर आप बताएं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसकी क्रेडिट रेटिंग पहले बहुत अच्छी थी उसकी रेटिंग भी तो खराब हो सकती है, वो कस्टमर जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था वो फाइनेंशियली वीक भी तो हो सकता है, वो कस्टमर जो कभी बैड डेट नहीं करता था अब वो पैसे ही नहीं देता, वो कस्टमर जिसका नाम आते ही हर कंपनी मरती थी उसको गुड्स बेचने के लिए आज उसका नाम आते ही कहते हैं उससे बात नहीं करते, हालात चेंज हो सकते हैं। वो कंपनी जो स्टॉक से में लिस्टेड थी मेरा बहुत बड़ा कस्टमर था डीलिस्ट भी तो हो सकता है, सोचे वो कंपनी जिसके एम्प्लॉइज कभी उसको छोड़ के नहीं जाते थे अब कोई उसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो कंपनी कौन सी कंपनी है। तो बेटा इससे आइडिया होता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट की भी क्रेडिट वर्थिनेस हाँ टाइम टू टाइम चेक करते रहे, ऐसा ना हो कि वो कंपनी खुद ना जाए आपके बिजनेस को भी लेके चले जाए, वाह वो कंपनी खुद नहीं गई हमारा बिजनेस भी ले गई, वो कंपनी उसका नाम रख दिया आपने वो कंपनी। तो आई होप कि वो कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस सब आप चेक करो। तो ये सवाल आपको स्ट्रॉन्गली बिलीव अच्छा लगा होगा,
बहुत, तो इसी तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड जलेबी की तरह एक सवाल अगर आ जाए यकीन माने F9 में या CA के MFA के अंदर, तो दोनों बच्चों को बड़ा फायदा हो जाएगा। बाकी चैनल एन सब्सक्राइब करें, क्या कर रहे हैं कमेंट्स नजर आने चाहिए भाई, वीडियो देगी कि नहीं देगी, ये देखें अरे चेक कर ले हाँ ये डन डन लिखेंगे आप तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे बच्चों ने कुछ देखा, ये भी अच्छी बात है।